अल्कोहल को कश्मीर में शराब की दुकानों को बंद करो, कश्मीर में शराब की दुकानों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, कश्मीर में शराब की दुकानों को बंद करो, कश्मीर में शराब की दुकानों को बंद करो, कश्मीर को बंद करो, शराब की दुकानों को बंद करो, शराब की दुकानों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब की दुकानों को बंद करो, बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, ठहरे ठहरे ठहरे, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, कश्मीर में अल्कोहल को बंद करो, बंद करो, शराब की दुकानों को बंद करो, शराब की दुकान करो। जी, हम यहाँ पर हर समय हम आवाज़ उठाते हैं ड्रग्स के खिलाफ। हमारी जो पिछले 7 महीनों से एक कंपेनिंग चल रही थी कि ड्रग्स को यहाँ पर बंद कीजिए, आज हमें सुनने में आया कि कुछ ड्रग्स के लाइसेंस यहाँ पर फिर से इशू कर दिए गए हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर निकले हैं। एलजी सरकार से ये अपील करते हैं कि इस चीज़ को जल्दी बंद कीजिए, क्योंकि हम कश्मीर को अल्कोहल फ्री देखना चाहते हैं, जैसे हमारे नीतीश कुमार साहब ने बिहार में बंद कर दिया इस अल्कोहल को, और हम यहाँ पर भी चाहते हैं यह बंद हो जाए, क्योंकि एक मुस्लिम स्टेट है, एक सेकुलरिज्म स्टेट है, यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम देख ले, अगर हम इस टाइम देख ले, यहाँ पर लोग अभी 95% अभी इस ड्रग के इस कारोबार में इन्वॉल्व हुए थे, मगर शुक्र है खुदा का, जेडीयू का टीम जब से निकला है ये ख़त्म हुआ है। हम इसको ख़त्म करना चाहते हो और जल्द से जल्द एलजी सरकार भी इस पर एक ठोस कदम उठाए इस चीज़ को बंद करने के लिए। और मैं साथ साथ यहाँ के सारे सियासी जमातों को दावत देता हूँ कि पहले आप इस अल्कोहल से हमें फ्री कीजिए, फिर हम सियासत करेंगे, जब हमारे बच्चिया बच्चे बचेंगे उसके बाद हम सियासत करेंगे। एलजी गवर्नमेंट को एक अपील करता हूँ कि जो यहाँ पर नशाखोरी बहुत तेज़ी से जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा, इसको बंद कीजिए। आने वाले दिनों में हमने ये सुना कि नए दुकानों को, जो नई शॉप्स खुल रहे हैं कश्मीर में, हम चाहते हैं कि जो पुराने दुकानें हैं उनको भी बंद किया जाए। नयों की तो बात ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड जिस तरह बिहार में, जिस तरह हमारे नीतीश जी ने बंद करवाया, जिसके पास एक शराब की बोतल पकड़ी जाती है उसको 6 साल की सज़ा मिलती है। हम चाहते हैं एलजी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसी तरह वही कानून यहाँ पर लागू किया जाए कि अगर किसी के पास कोई भी नशाखोरी का दवा मिल जाए, ब्राउन शुगर, जैसे कि हीरोइन, चाहे शराब की बोतल, उसको भी 6 साल की सजा दिया जाए। आपकी मीडिया के वसादत से मैं ये अपील करता हूँ। शुक्रिया। खुदा सिंद पास किस करतन बंद शराब कस खाने कर बंद, ये नशा कर, ब्राउन शुगर कर, ये कर बंद, क्या गई कशीर कर खराब।